जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 10 को कंटिन्यू करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 114 की। ये रेगुलेशन एक सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज का मतलब ये होता है कि आपने पहले जो रेगुलेशन पढ़े हैं उनमें जो प्रोविजन दिए हुए हैं उन प्रोविजन को किन किन कंडीशंस में हमें फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है ये क्लॉज उसके बारे में बताता है। आइए अब देखते हैं। सब रेगुलेशन नंबर 1, नथिंग इन रेगुलेशन 111 और रेगुलेशन 112 शैल प्रिवेंट द ड्राइविंग ऑफ एनी गैलरी थ्रू एनी पिलर और द इनलार्जमेंट ऑफ एनी गैलरी बियॉन्ड द लिमिट स्पेसिफाइड बाय और अंडर दीज रेगुलेशंस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजर सच वर्क इज नेसेसरी फॉर हॉलेज वेंटिलेशन ड्रेनेज और एनी अदर पर्पज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द माइन इफ 14 डेज प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग ऑफ द इंटेंशन टू कमेंस सच वर्क हैज बीन गिवन टू द रीजनल इंस्पेक्टर। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 111 पढ़ा था हमने डेवलपमेंट वर्क के बारे में, रेगुलेशन नंबर 112 पढ़ा था डिपिलरी वर्क के बारे में। उसमें कुछ प्रोविजन दिए गए थे कि गैलरी की विड्थ कैसे होनी चाहिए, कैसे स्प्लिटिंग करनी है, इस टाइप के कुछ कुछ प्रोविजन थे उसके अंदर में जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब ये सब रेगुलेशन कह रहा है मैनेजर की ओपिनियन में अगर ऐसा है कि किसी पिलर के थ्रू गैलरी क्रॉस करानी है या फिर जो लिमिट स्पेसिफाई की गई थी गैलरी की उससे ज्यादा चौड़ी गैलरी बनानी है और ऐसा करना मैनेजर की ओपिनियन में इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हॉलेज का काम कराना है, वेंटिलेशन का, ड्रेनेज का, या कोई ऐसा पर्पस उससे फुलफिल करना जिससे कि माइन की प्रॉपर वर्किंग इंश्योर हो। ठीक है, अगर मैनेजर की ओपिनियन में ऐसा गैलरी का इनलार्जमेंट या पिलर के थ्रू ड्राइव इज नेसेसरी है इन सारे काम के लिए और मैनेजर ने अगर 14 दिन का एडवांस नोटिस दे के रखा हुआ है यानी प्रीवियस नोटिस दे के रखा हुआ है रीजनल इंस्पेक्टर को कि भैया हम ये 14 दिन बाद ये वाला काम ये ड्राइवेज पिलर के थ्रू या फिर ये गैलरी का इनलार्जमेंट हम करने वाले हैं तो वैसे कंडीशन में रेगुलेशन नंबर 111 और 112 क्या है एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये प्रोविजन अप्लाई होगा। अब कह रहे हैं सब रेगुलेशन नंबर 2 में एवरी नोटिस अंडर सब रेगुलेशन 1 शैल बी अकम्पनीड बाय एन ऑफसेट प्लान शोइंग डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन कि सब रेगुलेशन 1 के अंदर में मैनेजर जो भी नोटिस भेजेंगे उसके साथ में क्या होगा एक ऑफसेट प्लान इनको इनक्लोज करके भेजना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर जो बात की गई वो नोटिस देने की बात की गई है कि कमेंसमेंट ऑफ वर्क से पहले एक नोटिस देना 14 दिनों पहले। यहाँ पे किसी परमिशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मैनेजर के क्या लीजिए विवेक पे छोड़ा गया है कि अगर कोई गैलरी का इनलार्जमेंट या पिलर के थ्रू ड्राइवेज करना है जो कि वेंटिलेशन वर्क से, हॉलेज के वर्क से या फिर कोई ऐसा कोई पर्पज है जिसके लिए माइन की वर्किंग इंश्योर हो सके, प्रॉपर वर्किंग इंश्योर हो, उन पर्पज से अगर करना है तो मैनेजर कर सकते हैं बशर्ते कि वो 14 दिन का नोटिस दे दें रीजनल इंस्पेक्टर को। अब इसका सब रेगुलेशन नंबर 3 देखते हैं। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर सच वर्क अंडर सब रेगुलेशन 1 इज लाइकली टू इंडेंजर द स्टेबिलिटी ऑफ द वर्किंग्स ही मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द कंप्लीशन बिफोर कमेंसिंग सच ड्राइवेज और इनलार्जमेंट ऑफ सच प्रोटेक्टिव वर्क्स एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन। अब क्या है कि सब रेगुलेशन 1 के अंदर में रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस दे दिया गया। अब रीजनल इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि जो भी काम कराने वाले हैं गैलरी इनलार्जमेंट का या पिलर के थ्रू ड्राइवेज का इसकी वजह से वर्किंग की है स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो वो क्या कर सकते हैं एक राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकते हैं और उस ऑर्डर में वो बोल सकते हैं कि आप जो भी ड्राइवेज करने वाले हैं या जो भी इनलार्जमेंट करने वाले हैं आप उसको कमेंस करने से पहले कुछ प्रोटेक्टिव वर्क कराइए। ठीक है कि उससे सेफ्टी इंश्योर है। अब प्रोटेक्टिव वर्क किसे कहते हैं इसको देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये गैलरी है, गैलरी में हमने ये प्रपोज किया रेड लाइन डॉटेड लाइन से कि हमें गैलरी को इतना इनलार्ज करना है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे हो सकता है कि किसी टाइप का कोई लूज मटेरियल हो। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में रीजनल इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं ये बोल सकते हैं कि भैया ये जो पोर्शन है येलो वाला यहाँ पे आप एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट कराइए, खड़ी कराइए वॉल जिससे कि उससे साइड का फॉल प्रिवेंट हो सके। तो प्रोटेक्टिव वर्क का ये एग्जाम्पल हो गया। प्रोटेक्टिव वर्क और किसी भी टाइप के हो सकते हैं, रूफ में बोल सकते हैं कॉन्क्रीट कराइए, रूफ बोल्टिंग एक्स्ट्रा कराइए, या मतलब कुछ भी हो सकता है जैसा उनकी ओपिनियन में लगता है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और जानने की है कि इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर में ये जो ड्राइवेज की बात की गई थी वेंटिलेशन से, हॉलेज से और किसी अदर पर्पज से रिलेटेड उसको रीजनल इंस्पेक्टर को रोकने की पावर नहीं दी गई है। रीजनल इंस्पेक्टर को ये पावर दी गई है कि वहां पे वो प्रोटेक्टिव वर्क कराने बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप ड्राइवेज करो ही नहीं। ये पर्टिकुलर रेगुलेशन इस चीज से सेव करता है। ठीक है ना, तो ये सेविंग क्लॉज है। ये रेगुलेशन यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट रेगुलेशन के साथ।